जी गुरु प्यारी संगत जी, चलते हाँ असं अंदर दीवान स्थान के इस वे देखते हाँ कि की चल रहा है। अंदर फुलों की सेवा चल रही है, डेकोरेशन की सेवा चल रही है, दुपट्टे लग रहे हैं जिहड़ा कि अज दे अज ही मुकम्मल किया जाना सारा। देखो कितनी खूबसूरती है, वाइट मैपल लीव्स दे नाल तैयारी की जा रही है, बॉल्स फ्लावर दे बनाए जा रहे हैं। वाह बहुत जबरदस्त। इतने गुरु महाराज का स्वरूप दर्शनों वास्ते रखा जाएगा संगत दे, और नाल दी नाल ही कीर्तन जुड़े जाएंगे। इतने साढ़े नाल मौजूद ने भाई साहब मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी। वीर जी सरदार संतोख सिंह मेरा नाम है, एक्स मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो मौजूदा पंजा साहब की जी संगत है उन्हों का दास सेवादार कार सेवा कमेटी। तो मैं आप जी दसता चाहवा कि सुख अपना स्टेज कीर्तन सदा तो नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सिंघासन साहब जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होंगे, यह हूँ रिसेंटली नवा तैयार कराया गया है विसाखी के फेस्टिवल के हवाले नाल। फूलों की जी सजावट है यह भी नाल नाल हो रही है, ये आप जी दर्शन कर रहे हो, साइडां ते भी हो रही है, नाल जिहड़ा है दीवारां ते उत्ते छत दे उत्ते ये सारी सजावट हो रही है। इसी तरह सामने जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है उत्थे भी फुलों की सजावट हो रही है, तो नाल नाल होर भी गुरुद्वारे जी सेवावां ने जी एवोकेटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड करा रही है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करा रही है, सारियां दे सहयोग नाल सेवावां जा रही ने, तो अपनी अपनी तैयारी आखिरी मरहले दे दाखिल होण जा रही ने। परसों तो साढ़े मेहमान आ जाने बारों जुड़े आने ने, तो ये तुसीं वेख सकते हो जिहड़ी हाल जिहड़ी कुरिशन है लंगर की तैयारियां ने, तो इस दे नाल नाल जिहड़ा है मार्बल की भी सेवा हो गई, कार सेवा परिक्रमा साहब तुहानूं दर्शन करा देना, उत्थे भी कार सेवा भी हो रही है, वह भी कंप्लीट हो गई, तो सतगुरु की कृपा नाल रंग की सेवा वा जी है वह भी इक्विटी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड करा रही है। वारनेस जिहड़ा पालिश है गुरुद्वारा साहब की वह भी तुहानूं बाबा जी दसणगे, वह भी तुहानूं दर्शन करा रहे हैं, तो साडी दिल की ख्वाहिश है साडी चाहत है कि साडी वीर सज्जन बाहरों आके गुरुद्वारा साहब के दर्शन करन। तो ये जी तैयारियां जा रही ने सतगुरु महाराज कृपा करे कि जिहड़ा खालसा सिरजना है वह असी अच्छे तरीके मना सकें, अच्छे ढंग मना सकिए, तो जिहड़ा इस उपीज के मुताबिक मना सकें उन्होंने। तो मैं अपने पाकिस्तानी वीरां को अपनी पाकिस्तानी संगतां को माफ़ी भी चाहवागा कि करोना की महामारी करके इस बार जिहड़ा है साढ़े पाकिस्तानी वीर सज्जन इस गुरपुरब में शामिल नहीं हो सकेंगे, पर फिर भी मैं हुकूमत पाकिस्तान का खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैं धन्यवादी हाँ, मैं शुक्रगुजार हाँ कि इस करोना की महामारी करके भी उन्होंने फिर साढ़े मेहमानों को इज्जत दी, तो सानू माण सत्कार बख्शिया, जो साडी वीर सज्जन हिंदुस्तान की धरती तो आ रहे हैं उन्होंने आने की इजाजत दी, तो उन्होंने वास्ते ये गुरपुरब की तैयारियां जी ने करा रहे हैं, सारा कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। तो मैं अपनी पाकिस्तान की गौरमेंट का प्राइम मिनिस्टर का मैं दिलों धन्यवादी हाँ कि जिन्हों का साडा इतना प्रोग्राम जो अच्छे तरीके इस उपीज के मुताबिक कर रहे हैं, मैं तरह तह दिलों धन्यवादी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। गुरप्यारी संगत जी, तुसीं देख सकते हो कि एंट्रेंस नूं बहुत वधिया तरीके नाल फुल्लां दे नाल सजाया जा रहा, राहदारी बनाई जा रही है, मार्बल की सेवा जिहड़ी आ हो चुकी है, चरण गंगा की सेवा, ये तुसीं देखो वॉश बेसन जिहड़े ने वह जिहड़े ने नवें लाए गए ने, और पत्थरां की सेवा जिहड़ी आ दोवें पासों गुरु घर दे विच तुहानूं दिखाने आ कि पुराना पत्थर कढ के नवां पत्थर जिहड़ा धो के पाया जा रहा है खूबसूरती दे वास्ते, कि नीट एंड क्लीन किया जाए, उन्होंने धोया जाता धो के फिर दोबारा दे विच पाया जाता। तुसी देख रहे हो गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही पंजा साहिब हसन अब्दाल जिथे कि इस वेले फाइनल टच जड़े ने सेवा दे चल रहे ने। बहुत ही सोहने तरीके नाल गुरु घर नूं सजाया गया, असीं पहुँच चुके हैं जी गुरु महाराज की हजूरी दे विच इस वेले, तो वीर जी ने गल करते हैं वह अपडेट देंदे ने इस चीज़ बारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जिस तरह तुहाडे नाल दीवान हाल दे विच गल सांझी कीती, इह मैन गुरद्वारा साहब जिथे रूटीन प्रकाश हुंदा महाराज दा, ते कीर्तन स्टेज है, इसे कीर्तन हुंदा, कड़ा प्रसाद की देख वरताई जाती है। यह मैन गुरद्वारा साहब की इहदी भी डेकोरेशन कराई गई है, तो जिहड़े फुलां की तैयारी है ये टीम असी लैके आए हां मरदान तो साडी वीर ने गगन वीर, तो वह अपना कर रहे हैं सारा कुछ डेकोरेशन का, तो सारी तैयारी वो साडे नाल कर रहे हैं, तिना का भी धन्यवाद। तो गुरु महाराज की कृपा नाल तैयारियां शुरू ने, तो आखिरी मरहले विच दाखिल हो जा रही ने, ताकि अज शामी तक साडी तैयारियां जिहड़ियां ने ये मुकम्मल हो जाणगियां। तो कल परसों तो साडे बारों जी वीर सज्जन आ रहे हैं, वो भी पहुँच जाएंगे परसों शामी। तो असी अरदास बेनती करें कि सतगुरु सच्चे पातशाह साढ़े यह जिहड़ा समागम है, जिहड़ा गुरपुरब है खालसा सिरजना का, ये पीसफुल जिहड़ा है, अमन शांति दे नाल जिहड़ा है वो पूरा होवे, ते जो साढ़े वीर आ रहे ने बाहरों उन्हां नूं किसी किस्म की परेशानी मसले मसाइल ना बनन, तो उन्हां नूं परमन तरीके नाल वो साडा पाकिस्तान का एंबेसडर बन के वापस अपनी धरती हिंदुस्तान की धरती ते जाण। तो गुरपुरब जिहड़ा है बड़े प्यार अते श्रद्धा नाल असी मनाईए, तो सारी तैयारियां सारी वीर का धन्यवाद, लंगरी सेवादारां दा, साडे वीर सज्जन साडे नाल जो सेवा कर रहे हैं वो सारे लगे ने विच, ते इहदे विच असी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अयोग ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान, सब दे असी मशहूर हाँ धनवादी हाँ कि बहुत घट समय दे विच बहुत अच्छी ढंग नाल अच्छी तरीके नाल तैयारियां करा दित्तियां नी। जिहड़े वाइट वाश दा है अयोग ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड करा रही है, तो वह भी जिहड़ा है बहुत अच्छी तरीके दे नाल हो गया, तकरीबन आखिरी मरहले दे विच अज राती तक वाट वाश का भी सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो सतगुरु कृपा करें कल परसों तो साड़ी तैयारियां जिहड़ियां ने संगत आने की जिहड़े वैलकम की तैयारियां ने वह भी हो जाएगियां, परसों शामी साढ़े को जिहड़ा है हिंदुस्तान की धरती जिहड़ी संगत आ रही है, साड़ी वीर आ रहे हैं, रागी सिंह आ रहे हैं, पंच प्यारे साहिबान आ रहे हैं, उन्होंने असी परसों सवेरे वाघा बार्डर से रिसीव करांगे, तो शामी सतगुरु की कृपा नाल गुरद्वारा पंजा साहब विखे उन्होंने आमद होगी, तो उन्होंने इत्थे जाके दो दिन की स्टे है, 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ SOPs ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਬਾ ਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।